जनपद आगरा के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को विदित हो भी चुका होगा कि खेरिया रेलवे ओवर ब्रिज के मरम्मत का काम होना है जी, और ये मरम्मत का कार्य जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD द्वारा किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा 2 माह का समय मांगा गया था, लेकिन मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया गया और केवल इनको 35 दिन की अनुमति दी गई है। आज रात से यानी 18/19 की मध्य रात से ये ओवरब्रिज बंद हो जाएगा। ये ओवरब्रिज कनेक्ट करता है मलपुरा रोड को, उधर की जितनी कॉलोनी है अर्जुन नगर कॉलोनी काफ़ी बड़ी आबादी को कनेक्ट करता है, तो लोगों को असुविधा ना हो इसलिए डाइवर्जन किया गया है हल्के वाहनों का। हल्के वाहनों में कार है, मोटरसाइकिल है और टेम्पो है, ई रिक्शा है, तो इनको ईदगाह चौराहे से छुआ नगला फाटक है, रेलवे फाटक है, और फिर आगे रेलवे का ये गेट नंबर 75A है, फिर अर्जुन नगर तिराहा है, अर्जुन नगर तिराहा से होते हुए खेरिया मोड़ की ओर भेजा जाएगा और यही वापसी का रूट भी होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि रुई की मंडी चौराहे के तरफ से शाहगंज डबल फाटक है, रेलवे का डबल फाटक जी। और उस पर प्रायः बहुत ज़्यादा लोड रहता है, तो इस वैकल्पिक जो मार्ग है इसको कोई डिस्टरबेंस ना हो इसके लिए 35 दिनों तक शाहगंज डबल फाटक भी बंद रहेगा। तो इनका रुई की मंडी चौराहे से डाइवर्जन किया गया है तहसील चौराहे की तरफ, तिराहे की तरफ, जिधर से ये ट्रैफिक कलेक्टेड होते हुए जाएगा, तो ट्रैफिक सुचारू रूप से चले इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है। साथ साथ ये जो वैकल्पिक मार्ग है इस पर बसों का और भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। इसके लिए मलपुरा नहर चौराहे से ही जो भारी वाहन है यानी ट्रक हैं, बस हैं, इनको डाइवर्ट किया जाएगा रोहता नहर चौराहे की तरफ, और इसी प्रकार ईदगाह चौराहे से भी जो रोडवेज की बसें हैं या कोई टूरिस्ट की बसें हैं इन बसों को भी नहीं जाने दिया जाएगा, इनको डाइवर्ट किया जाएगा क्लब चौराहे की तरफ से, तो केवल स्कूली वाहनों को इस रूट पे परमिट किया गया है। और जैसा कि अनुमान है कि अधिकांश स्कूल 1-2 दिन में बंद हो जाएंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि स्कूलों की छुट्टी के दौरान ही ये रेलवे ओवरब्रिज का कार्य कंप्लीट हो जाए।